मेरे साथ एक पैसेंजर है, आपका क्या नाम है? धर्मवीर मेरा नाम धर्मवीर कुमार। जी, हुआ क्या था बता सकते हो? हुआ बस पे जिस टाइम हुआ था उस टाइम हम सोए हुए थे, और जब सो के उठे देखे सब गाड़ी कलटा हुआ है। किसी किसी तरह से चोट घाट लग के निकले हैं बाहर, और 10 लोग तो लगभग डेड कर चुके हैं, और जितना सब बचा ले घायल है 1-2 ऐसे इधर से इधर, थोड़ा बहुत कम लगा है तो यहाँ पे है सामान निकालने के लिए। कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे अमृतसर से। अमृतसर से आप आ रहे थे? अच्छा, कहाँ के हो आप? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले। कुछ इलाज वगैरह कराया अभी? हाँ, चोट घाट लगा तो एक सुई डाल दिए हैं। अच्छा, आप कैसे निकले बाहर वो बताओ? बाहर उस पलटा था, होशे में थे हम। हाँ। तो थोड़ा बहुत चोट लगा तो निकल गए बाहर। कहाँ पर लगी आपको चोट? पीछे में लगा थोड़ा बहुत। पीठ में आपको चोट लगी है। तो कितने लोग जो हैं वो सही हैं, और कितने आपके साथ लोग आए थे जिनको लगी, और कितने सही हैं? उसमें लगता है सब घायल है। सब घायल है। अच्छा, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब गाड़ी में जब आप कह रहे हैं आप सोए थे, चिल्लाने की आवाजें नहीं है जो पलटा वगैरह लगा? हाँ, चिल्लाने का बहुत तेज आवाज आया। महिलाएं थी बीच में? बहुत तेज सर, बच्चे? सब। तो ड्राइवर, उसने कुछ बताया ड्राइवर ने आपको कि कुछ हो रहा है? कुछ नहीं बताया डायरेक्ट, फिर पलटल सीधे देखें तो पलटल है पूरा। स्पीड में कुछ दूर स्पीड चला मार, डायरेक्ट फटका गया गाड़ी। पिछले पीछे थे आगे थे? पीछे थे। तो ये जिस तरह से आपको बता दे कि अमृतसर से आए थे, आपको जाना कहाँ? वैष्णो माता। वैष्णो माता इनको जाना था, तो इनकी ही गाड़ी है ये, चश्मदीद हैं ये, उस गाड़ी में थे जिनकी गाड़ी का जो है वो हादसा हुआ है। तो परिवार वाले थे आपके, कोई दोस्त वगैरह अंदर? सब परिवार थे, दीदी थे, जीजा थे। उनमें से वो ठीक हैं? वो सब घायल हैं। घायल है। आज सुबह सवेरे एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो झज्जर कोटली में हुआ है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आपको झज्जर कोटली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी तक मौतों की पुष्टि जो है वो 10 बताई है। और ये जो गाड़ी है ये अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी, यानी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। और ये तस्वीरें जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, CRPF है, पुलिस के जवान हैं, SDRF के जवान हैं, रेस्क्यू टीम्स है यहाँ पर, और इस गाड़ी को जो है अब लिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर गाड़ी की बात करें तो आपको ये जो पिछले के दो टायर दिख रहे होंगे, जो आगे के दो टायर नहीं दिख रहे, बताया जा रहा है कि ये दो टायर जो है वो अभी भी ऊपर मौजूद थे। और ये ऊपर का विजुअल्स बता रही हूँ आपको कि कहाँ से जो है गाड़ी कहाँ पर आके गिरी। वहीं आपको बता दें कि सुबह यहाँ इस रोड से जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, जिनका आज एग्जाम था, उन्हें भी एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचने में बहुत दिक्कतें हुई हैं। कुछ बच्चों ने हमें कॉल किया और उन्होंने हमें बताया कि उनका एग्जाम जो है वो मिस हो गया इस हादसे की वजह से। तो लगा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल जिस तरह से गाड़ी को लिफ्ट किया जा रहा है, इसके अंदर जो है वो कोई भी नहीं है। जितनी भी बॉडीज थी और जितने भी इंजर्ड पर्सन थे, उन्हें जो है GMC हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया है। और आपको ये भी बता दें, ये तस्वीरें आप लगातार उसी स्पॉट से देख रहे हैं जहां पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये हादसा बिल्कुल भी यहां पर पहला हादसा नहीं है, और आपको बता दें कि इससे पहले हादसे भी नेशनल हाईवे पर आपको देखने को मिला है। अगर थोड़ी देर पहले की बात करें तो हमने ही आपको एक एक्सक्लूसिव कवरेज में दिखाया था कि किस तरह से एक ट्रक जो है वो ऊपर से नीचे पलट गया था। और जिस तरह से टीम्स की बात करते हैं वो यहाँ पर हैं, और ये देखिए ये गाड़ी जो है वो भी यहाँ पर है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जम्मू के जो है वो टूरिस्ट नहीं थे यहाँ पर, जो है बाहर के लोग यहां पर आ रहे थे, और ये दर्दनाक हादसा तब हुआ है। लोग यहां पर मदद के लिए पहुंचे, और जिस तरह से मदद की बात करते हैं, यहां पर मदद के लिए पहुंचे थे, और मदद के लिए पहुंचने के बाद लोगों ने भी यहां पर जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्क्यू करने में मदद की है। तो वहीं आपको बिल्कुल ये वही गाड़ी है। इस गाड़ी की अगर मैं हालत की बात करूँ तो मुझे शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी की हालत जो है वो आप लोगों को दिख रही है। और इसे बता दें कि इसे जो है क्रेन से अपलिफ्ट किया जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ से उठाया जा रहा है। और तस्वीरें जो हैं वो अभी आपको यही बयां कर रही हैं कि हादसा काफ़ी ज़्यादा, देखिए जिस तरह से ये जो म्यूज़िक सिस्टम था ये भी पूरी तरह से जो है यहाँ पर बिखर चुका है। वो स्टीयरिंग देखिए आपको स्टीयरिंग दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ आपको बात करते हैं, एक नज़र जो है आपको नीचे की दिखा देते हैं कि नीचे जो है वो रास्ता जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है, तो वो भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो जम्बो लटन के माध्यम से आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए नीचे जो है वो रोड आपको दिखाई दे रहा है, जो रोड अभी फिलहाल के लिए जो है वो बंद किया गया है। सवेरे एक्सीडेंट हुआ था उसी स्पॉट पर हूँ, कहाँ से गाड़ी नीचे गई थी वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सुबह सवेरे से ही चल रहा है, कुछ लोकल लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल कैसे रहा है। तो चलिए
आपको हम ये भी दिखाते हैं कि गाड़ी जो है वो ऊपर से कहां से जो है वो नीचे गई है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर सीआरपीएफ और पुलिस और ट्रैफिक कॉप्स जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। ये काम जो है वो चल रहा है, यहां पर क्रेन की मदद ली जा रही है। और ये जो है ये देखिए आप, इस स्पॉट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये स्पॉट आपको जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है कि गाड़ी जो है वो कहाँ से नीचे गई है। और ये देखिए गाड़ी के जिस तरह से पहले ही सोर्सेज ने जानकारी दी थी कि ये टायर जो है वो ऊपर ही रह गए थे और गाड़ी नीचे थी, वो आपको दिख रहा है। यहाँ से कितनी नीचे गाड़ी गई है उसका अनुमान जो है वो भी आप लोग लगाइए। तो देखिए हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव कवरेज जो है और उसी स्पॉट पर जाके दिखा रहे हैं। ये देखिए अगर आप एक बार यहाँ पर ध्यान मारे, अगर आप ये देखिए ये है वो गाड़ी, ये उसके टायर है। आपको ये भी मैं तस्वीरों से बता रही हूँ कि दो टायर देखिए बिल्कुल ऊपर सही कंडीशन में ऊपर है। और इसे तोड़ते हुए ये जो बनाया गया है सीमेंटेड रास्ता जो इसे रोकने के लिए, उसे तोड़ते हुए गाड़ी बिल्कुल नीचे है। नीचे भी एक क्रेन है जो इसे हेल्प कर रही है ऊपर अपलिफ्ट करने में, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी नहीं है, सबको जो है वो निकाल लिया गया है। तो जिस तरह से आपको बता दें कि डीसी जम्मू ने भी जिस तरह से ट्विटर हैंडल से जानकारी दी थी इस दर्दनाक हादसे के बारे में, वहीं जीएमसी की जो प्रिंसिपल है शशि सुदन, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ऑफिशियली तौर पर ये बताया कि हमारे पास जो है वो पूरे इंतजाम हैं, जितने भी इंजर्ड पर्सन हैं वो यहाँ पर आए हैं और 10 मौतों की जो है वो पुष्टि की गई थी यहाँ पर। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये एक ही परिवार है, लेकिन आपको बता दें कि एक चश्मदीद यहाँ पर थे जिन्होंने कैमरे के सामने तो बात नहीं की, बट उन्होंने जो बताया, जो उनका इंसिडेंट, जो इंसिडेंट उन्होंने नरेट किया वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं पता चला कि किस तरह से जो है वो ब्रेक फेल हो गया और किस तरह से जो है वो ड्राइवर ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया। हालांकि ड्राइवर ने भांप लिया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये भी बता दें आपको कि 10 लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, अंदर से अभी भी जो है सामान वो निकल पा रहा है।